आपने दहेज की आग में अक्सर नवविवाहिताओं को झुलसते देखा होगा। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण ज्यादातर परिवार टूट जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते बेटियों को बोझ समझ लिया जाता है। लेकिन इन सब कुरूतियों को जवाब देते हुए फतेहपुर के रहने वाले शिक्षक ने न केवल दहेज लेने से इनकार किया, बल्कि शादी के बाद घर आई बहू को तोहफे में कार गिफ्ट की। विद्याधर के इस कदम ने संकुचित समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। यदि सभी परिवार बहुओं को बेटियों का दर्जा दे तो समाज की कई बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। जो बहू के प्रति धारणा हमारे समाज में है वो एक बेटी के रूप में बदले, ऐसा मानस रखते हुए, ऐसा विचार रखते हुए इस समाज को एक नया संदेश देने के लिए कि हम कम से कम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन दहेज जैसी इस बुराई को दूर कर हम एक नया मैसेज बालिकाओं के प्रति, उनके संबलन के प्रति इस समाज में और इस देश में देना चाहें। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए आज ये इस बेटी को ये गाड़ी भेंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि समाज में एक नया मैसेज जाएगा। पहले सब दोस्त वगैरह पूछते थे कि दहेज में क्या मिलेगा, तेरे को तो गाड़ी जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ अलग करने की सोची और पापा जी और हमने समाज में नया मैसेज जाए, इस वजह से गाड़ी भेंट की और दहेज भी नहीं ली। मुझे कोई फीलिंग नहीं है, मतलब ये भी पापा और वो भी पापा हैं, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने किया वैसे सब ये कदम उठाएं और मतलब उनका सम्मान करें थे।